हे एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टार्टअप सुविधा केंद्र और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। वेल, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टार्टअप सुविधा केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बेटियों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। अगर आप अपनी बेटियों की शादी, हायर एजुकेशन या उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स सुकन्या समृद्धि योजना को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंडर जो स्टार्ट किया गया है उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इस इन्वेस्ट से फ्यूचर में अपनी बेटियों के लिए अच्छा फंड आप इकट्ठा कर सकते हैं। आप ये इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम में कर सकते हैं। इससे आप अपनी बेटियों के फ्यूचर को लेकर एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। वेल, इस स्कीम की खासियत ये है कि इसमें आपको टैक्स में छूट मिलती है और आप इसे 250 रुपए के इन्वेस्ट से भी शुरू कर सकते हैं। इसका ब्याज भी अच्छा खासा मिलता है। इसमें आप अपनी बेटियों के 10 साल का होने से पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का लॉक इन पीरियड कुल 21 साल का होता है, याद रखिएगा। इससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। हालांकि अगर आपकी बेटी की एज 18 ईयर्स हो गई है तो उसकी पढ़ाई के लिए आप अमाउंट का 50% हिस्सा जरूर निकाल सकते हैं, या फिर किसी वजह से अकाउंट होल्डर्स की अगर डेथ हो गई है तो आप पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम की अच्छी बात यह है कि इसमें आपके पूरे 21 साल तक पैसे जमा करने जरूरी होते हैं। इस अकाउंट में खोलने से लेकर केवल 15 सालों तक ही आप पैसा जमा किया जा सकता है। हालांकि मतलब जरूरी नहीं कि 21 साल तक ही पैसा जमा किया जाए। सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज पर एनम है। इसकी मैच्योरिटी 21 साल की होती है। परिजन यानी कि लोग 15 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 21 साल होने तक इसके ब्याज जुड़ता चला जाता है। इसमें आप पर ईयर 1.5 लाख रुपए तक ज्यादा से ज्यादा राशि इकट्ठा कर सकते हैं और साथ ही आप और भी अगर जमा करना चाहें वो भी जमा कर सकते हैं। ये टैक्स फ्री स्कीम है। इसमें ट्रिपल ई के अंडर टैक्स में छूट मिलती है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के मुताबिक 1.5 लाख रुपए तक आप इकट्ठा कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि आपको ढेर सारी छूट मिल सकती है। दूसरा, इस पर मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स में आपको खूब सारा डिस्काउंट मिल सकता है। और तीसरा, मैच्योरिटी की जितना भी इनकम है वो भी टैक्स फ्री होती है। यानी कि कुल मिलाकर आप इसे 21 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई है, ध्यान रखिएगा, आप 10 साल तक ही इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पैसा आप तभी निकाल सकते हैं जब वो 21 साल की हो गई है। 18 साल की अगर लड़की हो गई है तो आप उनकी पढ़ाई के लिए 50% पैसा निकाल सकते हैं, तो काफी हेल्पफुल है। बेसिकली इसका जो एक तरीके से अगर हम बोले ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस है कि शादी और प्लस हायर एजुकेशन या फिर लड़की की एजुकेशन के लिए आप एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं काफी अच्छे लेवल पर। और यकीन मानिए, अगर 21 साल तक आप इकट्ठा करेंगे तो बाद में शायद आपको किसी से उधार लेने की भी जरूरत ना पड़े। वेल, ये थी आज की वीडियो। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टार्टअप सुविधा केंद्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। फिर से हम बोल रहे हैं ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।